आदिपुरुष को कई कारणों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचना का मुख्य कारण फिल्म में भगवान राम और अन्य पात्रों का चित्रण है, जिस पर कुछ हिंदू समूहों ने गलत और अपमानजनक होने का आरोप लगाया है। कुछ ने फिल्म के संवादों, VFX और चरित्र की भी आलोचना की है। डिजाइन निर्देशक ओम राउत की फिल्म के संचालन और उनके काम से जुड़े पिछले विवादों के लिए आलोचना की गई है। आदिपुरुष को 19 जून 2023 तक नेपाल की राजधानी काठमांडू और पर्यटक शहर पोखरा में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था, फिल्म के संवादों पर विवाद हुआ जिसमें सीता का भारत की बेटी के रूप में उल्लेख भी शामिल था, जिस पर काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने आपत्ति जताई थी, जिन्होंने दावा किया था कि सीता का जन्म आधुनिक नेपाल में स्थित जनकपुर में हुआ था। 23 जून 2023 को नेपाल की एक अदालत ने आदिपुरुष सहित हिंदी फिल्मों पर से प्रतिबंध हटा दिया और अधिकारियों से कहा कि वे देश के सेंसर बोर्ड द्वारा पारित किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग को न रोकें। आलोचनाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही है। दुनिया भर के दर्शकों को देखने के लिए धन्यवाद।